असमत भाभी, देखिए आपकी ये चुप फरमान भाई को वापस तो नहीं ला सकती, तो तोड़ दें इस चुप को। हम सब आपके गम में शरीक होना चाहते हैं, आपका गम बांटना चाहते हैं। प्लीज थोड़ा हिम्मत करें, ये पानी पी लें। असमत मेरी बच्ची, ये बड़ा लंबा सफर है जो तुमने काटना है, और भूखे प्यासे बेवकी का सफर नहीं करता। पी लो पानी और रो लो उसको, क्योंकि तुम्हारी मोहब्बत का हर अल्फाज मैंने महसूस किया। जी खोल के रो लो, तुम रोगी ना तो उसके लिए दुआ निकलेगी, और बेटा उसे सिर्फ तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। कल से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, मैंने बहुत कोशिश की कि एटलीस्ट फरमान भाई का चेहरा देखकर ही रो लें, लेकिन पूरी रात इस तरह बैठी रही है और दरवाजे को देखती रही है। अचानक इतनी बड़ी क़यामत टूटी है बिचारी पर, और इस हकीकत को तस्लीम करना बहुत बड़ी बात है। बेटा इसको अंदर ले जाओ, मैं महरूज को कहती हूँ कोई सुकून की दवा ला दे, ताकि इसे सुकून आ जाए। मेरी अम्मी की शायद कुछ दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हैं, मैं वो लेकर आ जाती हूँ। अच्छा। अम्मी मैं पूछने आया था कि आपको घर ले चलूँ, आप सुबह से आई हैं। नहीं बेटा, मेरी बेटी खुद कहेगी तो मैं जाऊंगी इसे छोड़कर, साल में नहीं छोड़ के जा सकती। अम्मी आपकी अपनी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। तुम जाओ मेरोज, मैं रात तक किसी के पास रहूंगी। ठीक है अम्मी, कोई काम हो तो मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मैं दवाई लेकर आती हूँ।